ग्वालियर पुलिस ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले तीन आरोपियों को पकड़ा है। वड़ापुर थाना पुलिस ने इन्हें दतिया, चिनोर और जनगंज इलाके से हिरासत में लिया है। पुलिस ने इनसे वारदात में प्रयुक्त लैपटॉप व दस्तावेज जब्त किए हैं। पुलिस फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आरोपी काफी दिनों से पुलिस को चकमा देकर फरार थे और पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं आ रहे थे। पुलिस अब इनसे यह पताने की लगाने की कोशिश भी कर रही है कि अभी तक यह कितने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना चुके हैं। गैंग के दो सदस्य पहले ही पकड़े जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम ने सबसे पहले शहर के लक्ष्मीन से ऋषभ जैन को पकड़ा और उससे पूछताछ के बाद पुलिस टीम चिनौर पहुंची और यहां से हेमंत पवैया और उसके बाद दतिया उन्नाव में दबिश देकर संतोष साहू को दबोचा। पुलिस ने इनसे पूछताछ के बाद लैपटॉप व अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं, जिनका उपयोग यह जाली बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए करते थे। फिलहाल पूछताछ जारी है और पुलिस को उम्मीद है कि पकड़े गए आरोपियों से और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। थाना भवानीपुर में अक्टूबर 2022 में एक फर्जी जलमार्ग बनाने संबंधी एफ आई आर दर्ज हुई थी, उसके चलते आज तीन आरोपियों को पकड़ा है जो लोगों के कागजात लेकर उनमें एडिटिंग करके और साइट का उपयोग करके फर्जी जनपद पर बनाते थे। कितने पैसे लेते थे लोग? 1.5 से 2 हज़ार तक पैसे लेकर वो बनाते थे। कितना समय देते थे बनाने के लिए? वो जैसे जिससे डीलिंग हो जाए, समय 1 महीने 15 दिन में के अंदर वो बनाते। तीन लोग कहाँ से रहने वाले? ये ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये इस तरह के शॉप्स चलाते हैं, दुकान सेंटर चलाते हैं कंप्यूटर इक्विपमेंट संबंधी। आपको सूचना कैसे मिली थी? मुखबिर से सूचना मिली और पूर्व में भी दो आरोपी गिरफ्तार हुए थे, उनके माध्यम से ये इनका क्लियर था आरोपी होना, तो जिन्हें आप पकड़ कर अपराधिक और विवेचना का विषय है। अभी पता करा जाएगा थानों से, कई मामले दर्ज हुए हैं तो वो शामिल करे जाएंगे केस के अंदर।